दोस्तों आज हम जियो फोन के अनबॉक्सिंग करेंगे। ये जियो फोन का नया बॉक्स है, जियो फोन 2 है दोस्तों। तो फटाफट इसको ओपन कर लेते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मिलता है दोस्तों। तो जल्दी से हम इस पन्नी को उठा लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों फोन हमें कुछ इस तरह का मिलता है दोस्तों, ये देख लीजिए दोस्तों, इस तरह का फोन मिलता है। अब देख लेते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या मिलते हैं दोस्तों। इस फोन को हम बगल में रखते हैं और देखते हैं डब्बे के अंदर हमें क्या क्या मिलता है दोस्तों। तो जियो फोन 1 की तरह दोस्तों इसमें एक चार्जर मिलता है और एक बैटरी मिलती है दोस्तों, और एक पेपर वर्क मिलता है दोस्तों। जैसा चार्जर हमें जियो फोन 1 में मिलता है, ऐसा ही चार्जर जियो फोन 2 में मिलता है। इसका आउटपुट है 5 वोल्ट 700 एम्पियर दोस्तों, 700 ने 1 एम्पियर दोस्तों। और ये बैटरी है और ये स्मार्टफोन है दोस्तों। तो हम फटाफट इसे ओपन कर लेते हैं, देखते हैं इसके अंदर कैसा है फोन ये। तो दोस्तों फोन में मैंने बैटरी डाल लिया और इसकी लुक ऐसी है दोस्तों। तो आप देख लीजिए दोस्तों, ये फोन ऐसा है, जियो फोन 1 की तरह ही दोस्तों जियो फोन 2 है। और इसमें जो फीचर हमारे जियो फोन 1 में है वही फीचर दोस्तों जियो फोन 2 में। इसमें हॉटस्पॉट नहीं है लेकिन वाईफाई है, इसमें ब्लूटूथ है लेकिन दोस्तों इसमें ड्यूअल सिम लगती है दोस्तों, और जियो फोन 1 में ड्यूअल सिम नहीं लगती दोस्तों। और ये दिखने में भी काफी बड़ा है। और जियो फोन 1 की प्राइस 1500 रूपए और इसकी प्राइस 2099 रूपए, मतलब 3000 रूपए का फोन है। तो दोस्तों जियो फोन 1 में जो फंक्शन मिलते हैं हमें वही जियो फोन 2 में मिलते हैं। तो आप जियो फोन 1 ले लो चाहे जियो फोन 2 ले लो दोस्तों, बात एक ही है। और दोस्तों मेरा सजेशन तो ये है कि आप जियो फोन 2 ही मत, क्योंकि ये फोन दोस्तों आपके लिए बना ही नहीं है, क्योंकि ये काफी ज्यादा हैंग होता है। और 3000 रूपए आप इस फोन के दोगे, इसके बजाय आप 2000 रूपए और मिला के 5000 का टच वाला मोबाइल लेना जो दोस्तों काफी सही चलेगा। हमें कुछ ऐसा फोन मिलता है और ये इसकी बैटरी है दोस्तों, और ये देख लिए दोस्तों, इसमें एक मेमोरी कार्ड 2 सिम लगती है दोस्तों, लेकिन पहली सिम जियो की लगेगी, दूसरी सिम आप और कंपनी की लगा सकते हो दोस्तों। लेकिन लुक तो दोस्तों इसकी काफी है। आप जियो टीवी चला सकते हैं, जियो सिनेमा चला सकते हैं और यूट्यूब चला सकते हैं, ब्राउजर चला सकते हैं दोस्तों। एंड्रॉइड मोबाइल में जो काम होता है वही काम आप इस फोन में कर सकते हो दोस्तों।